ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जिब्रान अमीक, रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर एट मोदी केयर, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस स्पेशल टॉक शो में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन के बारे में जिसके थ्रू हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम सर्टिफिकेट हासिल करके अपने आप को एक सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, इस प्रोग्राम को जानने के लिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, इसको हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, इसको यूज करने के बाद ये जो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा उससे हमारे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, हम लोगों को कैसे उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आगे लेकर के जा सकें, वो सारी जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम हासिल करेंगे। मोदी केयर हमेशा आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया करने की चाहत में रहता है, और दोस्तों मोदी केयर इन कोलैबोरेशन विद स्किल इंडिया एंड रास्की आपके लिए लेकर के आया है ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन हमको मिलने वाला। अब दोस्तों इसके बारे में अगर हमको जानना है, इसके बारे में अगर हमको समझना है, तो अपने और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो YouTube लिंक जिसपे आप देख पा रहे हैं, इस YouTube लिंक को शेयर करें ताकि हमारी टीम भी अपने आप को एक सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर बना सके और इसके बेनिफिट्स उठा सके। अब दोस्तों इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए, इन डेप्थ नॉलेज जानने के लिए, वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे हमारे सवाल हमारे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिजाइन करा है उनके साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबके सामने स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे स्किल्ड इंडिया के CEO मिस्टर राजीव माथुर को, जो हमको बताएंगे इसके बारे में वो सारी डिटेल्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ YouTube में, चैट बॉक्स में, जूम के ऊपर वेलकम मैसेजेस के साथ आप यहाँ पे इनवाइट करेंगे हम सब मिलकर के मिस्टर राजीव माथुर को। मिस्टर राजीव माथुर, नमस्कार। स्टेज, नमस्कार आप सबको, मेरा हार्दिक नमस्कार, और मोदी केयर की लैंग्वेज में बोलूं तो मोदी केयर गुड मॉर्निंग। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सर, हम सब जहाँ पे जुड़ते हैं हम सब मोदी केयरियंस हो जाते हैं, और आपके ऊपर भी मोदी केयर का रंग जरूर चढ़ेगा। बट सर से रिलेटेड हम लोग अगर बात करें, जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, जो आज के बारे में हम जानने वाले हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो रास्की सर्टिफिकेशन हमारा स्किल्ड इंडिया के थ्रू कोलैबोरेशन में बनाया है, बट ज्यादातर हमारे जो कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं
राजीव जी, सबसे पहला सवाल वो ये जानना चाहेंगे कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अगर आप हम लोगों को बता सकें तो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। जरूर साहब, ये जो कोर क्वेश्चन है आपका कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्या है, मैं कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है ये आप डायरेक्ट सेलर्स के लिए बनाया गया है। और किसने बनाया है? ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित है और सिर्फ गिनी चुनी कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल है इस वक्त, वो कंपनीज जो IDSA के अंडर आती हैं। और मोदी केयर जो है IDSA कंपनी है, तो ये मोदी केयर के लिए कम्प्लीटली एप्लीकेबल है, ये इससे बाहर की कोई भी कंपनी के लिए फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है और आने वाले समय भी शायद एप्लीकेबल नहीं रहेगा, अभी सिर्फ IDSA कंपनीज के लिए है। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस इसलिए बनाया गया था कि जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स हैं, जब आप अपने मार्केट में जाते हो, अपने प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो, तो उस टाइम पे अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो भारत सरकार की तरफ से इशू किया गया है, तो वो सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लोगों का आपके ऊपर बहुत अधिक आता है। दे अंडरस्टैंड कि आप एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर हो, आप कोई चीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये सर्टिफिकेट आपको एक जेन्युइनिटी प्रदान करेगा। और इसके साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो कि सिर्फ 5 घंटे का है, मुश्किल से छोटा सा प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि ये प्रोग्राम से आपकी कॉम्पिटेंसी जो एज ए डायरेक्ट सेलर है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं और आप उसको किस तरह से अपने रोज के कार्य में ला सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल राजीव जी। अच्छा, एक सवाल इससे रिलेटेड मैं ये जानना चाहूंगा सर, मार्केट में जब हम जाते हैं, हमारे कंसल्टेंट्स जब फील्ड में जाते हैं, तो कई तरह की निगेटिविटी लोगों के अंदर फैली रहती है इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। और जैसा आपने शुरू बताया कि हाँ, चीटिंग के लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ऐसे में ये जो हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ये जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को अचीव करने के बाद ये जो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये कैसे हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा? जी बिल्कुल। देखिए, आप में से कुछ डायरेक्ट सेलर्स जो पिछले बीते 5-1 साल से अगर आप जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तो आपने शायद जाना होगा, देखा होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी बीच में स्ट्रेस में आ गई थी, काफ़ी परेशानी में आ गई थी। और वो इस वजह से आई थी कि कुछ फ्रॉडलेंट लोग ने कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई थी कि भारत सरकार एक समय में ये पूरा का पूरा जो तरीका है मार्केटिंग का, इसको बंद करने की कगार पर आ गई थी। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने भारत सरकार को अप्रोच किया और बताया कि कुछ इसमें काफ़ी सारी कंपनीज जेन्युइन कंपनीज हैं, उनका ये मॉडल है और ग्लोबल मॉडल है, और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको अगर ख़त्म किया तो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो मैं पहले NSDC में था, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, और इसी विभाग को मैं हेड करता था। तो ये वाला फिर मुद्दा मेरे पास आया, फिर हमने रिटेलर सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलके और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ मिलके पहले तो इसका एक राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो क्रिएट किया गया। और भारत सरकार किसी भी मानक को राष्ट्रीय का वह शब्द नहीं देती जब तक कि उसको एक पूरी तरह से उसको जांच परख नहीं लेते कि ये राष्ट्रीय स्तर पे उतरने के काबिल है कि नहीं। तो हमने उसको भारत सरकार से स्टैंप लगवा के उस स्टैंडर्ड को निकाला और उसके बाद उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और अभी पिछले साल से ये कोविड जब शुरू हुआ था तो हमने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल था, ऑफिस से बाहर निकलना मुश्किल था। तो अब ये प्रोग्राम पूरा का पूरा ऑनलाइन है और इसको आप अगर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे बिजनेस में ये इसको हम कैसे फ़ायदा करेंगे। जैसे मैंने आप पहले बता रहा था मैं आपको कि ये इस वक्त आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपने कस्टमर्स के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहे होंगे, पहुंचने की कोशिश करते होंगे, और इस वक्त ऑनलाइन पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं। तो लोग इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेते कि आप जो दिखा रहे हो वो आप जेन्युइन हो या नहीं हो। तो मैं अभी आपको एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, आप एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ये सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि ये सर्टिफिकेट है कैसा, देखने में क्या है, किस तरह का सर्टिफिकेट है। एक मिनट का समय दीजिए, मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वी आर वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर दिस। जी जी, मैं आपको शेयर करता हूँ। सब लोग चाहते हैं अपने नाम पे सर्टिफिकेट। जी हाँ, सो आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट है
जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, एक सौरभ कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, आप में से ही कोई हैं वो, मुझे नहीं पता इस वक्त वो इस मीटिंग में है या नहीं है, पर अभी रिसेंटली उनको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। आप देख सकते हैं कि इस पे स्किल इंडिया का स्टैम्प है, और सबसे इम्पोर्टेंट सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का स्टैम्प है इसके ऊपर, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्टैम्प है इसके ऊपर, एक सर्टिफिकेशन है। सौरभ कुमार श्रीवास्तव, उनका आधार नंबर को हाइड कर लिया गया है, पर उन्होंने इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल के प्रोग्राम में अपने आप को सर्टिफाई कराया है। उसके बाद इसमें मेरे सिग्नेचर्स हैं नीचे सीईओ स्किलेट इंडिया के, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये को ब्रांडेड सर्टिफिकेट है। अगर आप नीचे देखेंगे तो आईडीएसए का स्टैम्प है, मोदी केयर का स्टैम्प है, राशि का स्टैम्प है, और राशि के जो चेयरमैन है उनका साइन है, और एक क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जानते हैं इसका क्या फायदा है? अगर कोई भी इस सर्टिफिकेट के ऊपर अपने मोबाइल फोन से स्कैन करेगा तो झट से आपका जो नाम है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आपके डिटेल्स नजर आ जाएंगे, तो आपकी जेन्युइनिटी एकदम स्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि एक तो भारत सरकार ने आपको सर्टिफाई किया है और आप उस प्रोसेस से निकले हो, और आपका जो नाम है वो गवर्नमेंट के डेटाबेस से आता है। नीचे कुछ आप बड़ा सा नंबर एक देख रहे हो, उसको आप चिंता नहीं करिए, पर ये यूनिक नंबर है जो आपको, जो नेशनल रजिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां जाके रजिस्टर हो गया आपका नाम। तो आप देखिए कि आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिला कि आपका, आप मोदी केयर से एसोसिएटेड, वो बहुत बड़ा नाम है, उसकी स्टैंप लगी है सर्टिफिकेट पे, और भारत सरकार आपको मान्यता दे रही है कि आप एक सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर हो। इस सर्टिफिकेट को दिखा के मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे इंसिडेंसेज हैं जो मैं आप जैसे डायरेक्ट सेलर से मुखातिब होता हूँ, बात करता हूँ, तो किसी ने मेरे को बताया हमने तो इसको अपने ऑफिस में सजा के लगा ली। जैसे क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर्स, हमको अपने सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम देखिए ये फलाना डिग्री है, फलानी डिग्री है, हम अपने सर्टिफिकेट को लगाते हैं और हम अपने कस्टमर्स को और अपने जानने वालों को बताते हैं, देखिए हम भी सर्टिफाइड है, एक सर्टिफिकेट है जो अपने ऑफिस की दीवार पे हम लगा के रखे हैं। तो एक आपको एक सोशली भी आपको एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा और आपकी जेन्युइनिटी को भी प्रदान करेगा। इसके साथ एक मार्कशीट भी आती है, वो मैं अभी क्या दिखाऊं आपको, पर सर्टिफिकेट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि आपको सर्टिफाई करके आपको बताता है आपके बारे में। परफेक्ट राजीव जी, बहुत अच्छी, आपने ये हम लोगों को सर्टिफिकेट दिखा दिया कि ये सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ऊपर हमारा सिंबल लगा हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा आईडीएसए का, रास्की का, स्किल इंडिया जो कि कौशल भारत कुशल भारत का मिशन है, वो सारी चीजें हमारी इसके ऊपर अवेलेबल है। यानी कि ये सर्टिफिकेट अगर हम अपने वर्क स्टेशन पे, जहां से भी हम बैठते हैं वहां पे लगाएंगे, इसको अगर अपनी दीवार के ऊपर टांगेंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस प्रकार से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर अपनी डिग्री टांगता है कि नाउ आई एम अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, उसी प्रकार से हम ये अपनी एक सर्टिफिकेट लेकर के अपने वॉल्स के ऊपर, इसको इन दी वॉल ऑफ फेम हम रख सकते हैं, जो हमारे बिजनेस बढ़ाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो। बिल्कुल ठीक है आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजीव जी, अगला सवाल अब इस कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहिए, तो हम लोगों को पता चल गया कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बट कोर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पहला सवाल जो हम लोगों का आता है कि इसको करना कैसे है, प्रोसेस क्या है इसका? हाँ, प्रोसेस इसका बहुत सरल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा तो ये है कि आपको इस प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करना होगा, पंजीकृत करना पड़ेगा, और पंजीकृत करने के बाद आपको विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप कोर्स के अंदर जा सकते हैं और आप इस प्रोग्राम को आराम से कर सकते हैं। तो मैं उसको, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू दैट प्रोसेस ऑफ हाउ टू get into this particular program. Just give me a second. Absolutely, sir. ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर हम live demonstration के through देख सकें कि कैसे हमको register करना है, because लोगों को ये नहीं समझ में आता है हमको registration process क्या use करना है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप मेरा screen देख पा रहे हैं? Not yet, Google? Sir. अभी shared नहीं है। मैं दोबारा से share करता हूँ, एक मिनट। Share करते हैं। जी। दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन भी करते रहें, जैसे जैसे राजीव जी हम लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं,
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग नोट डाउन भी करते रहे ताकि हम अपनी टीम में लोगों को बता पाए कि ये तरीका है। कोई हमसे पूछता है कि कैसे सर्टिफिकेट हासिल करना है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम फौरन, हमारे पास लिखा होगा, हम देख के बता देंगे कि इस तरह से हमको रजिस्टर करना है, इस तरह से हमको आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेकर के जाना है, और ये ओवरऑल हमारे लिए मददगार साबित होगा। तो स्क्रीन जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गूगल का स्क्रीन तो आप जानते हैं, आपको आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरा? बिल्कुल सर, विजिबल है। इसमें आपको बस राशि लिखना है, राशि RASCI, जो रिटेलर एसोसिएशन स्केल काउंसिल है उनका नाम राशि RASCI, RASCI राशि लिखेंगे तो आप एकदम से रिटेलर एसोसिएशन स्केल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये लाइव वेबसाइट के ऊपर अब हम आ गए, और इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे एक स्क्रॉलिंग बार आ रही है, क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर ऑनलाइन ट्रेनिंग। आप देख पा रहे हैं नीचे ये लाइन चल रही है? बिल्कुल सर, क्लियरली विजिबल है। हाँ, अब आप इस राशि की वेबसाइट पे आए, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये जो मूविंग मार्की लाइन है, मूविंग लाइन थी, इस पर आप क्लिक करेंगे, और तीसरा स्टेप ये है कि आप क्लिक टू रजिस्टर करेंगे। तीन पता मैंने बताया, राशि की वेबसाइट पे आएंगे और एक जो मूविंग लाइन थी उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद रजिस्टर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको उन सबसे आप लेके बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है RPL सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इसमें डायरेक्ट सेलर इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल का प्रोग्राम सबसे पहले लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? तो राशि की वेबसाइट से गुजरे, मूविंग मार्की पे क्लिक किया आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, और स्क्रीन पे आके आपने डायरेक्ट सेलर फॉर इंडिविजुअल्स वाले ऑप्शन को क्लिक किया। बहुत सीधा रास्ता है, आप अपने आप ही चलेंगे राशि की वेबसाइट से आके, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे थोड़ा क्वेश्चन क्लैरिफाई कर लेगा कि भाई आप ठीक ऑप्शन कर रहे हो। वो आपसे कहता है कि दिस कोर्स इज एप्लीकेबल फॉर IDSA कंपनीज लाइक ओरिफ्लेम, इनर्जेटिक इंडिया, मोदी केयर, ब्लू लाइफ एटसेट्रा। कंपनीज के नाम लिखे, IDSA कंपनीज के नाम लिखे, ठीक है, आप यस करके और ये आगे बढ़ जाएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो छोटे छोटे से वीडियोस है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, क्योंकि ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप एक प्रीव्यू देखना चाहें कि ये प्रोग्राम क्या करता है, कैसे काम करता है, तो आप बहुत आराम से इसका प्रीव्यू देख सकते हैं इस प्रोग्राम का, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि, और इसमें नीचे कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है लोगों के, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखे हुए हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस मेरे से बातचीत हो रही है, वो सारे क्वेश्चंस एक फॉर्म में यहाँ पे नीचे लिखे हुए भी हैं, आप उसको हिंदी या इंग्लिश जिसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन पेज है, इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है वीडियो के फॉर्म में और लिखित फॉर्म में। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, राइट। जब आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आप ये पूछेगा आपसे कि आप क्या बल्क बाइंग कर रहे हैं, कि आप डायरेक्टर हैं, अपनी टीम के लिए बाय कर रहे हैं। जब आप टीम के लिए बाय करेंगे तो कुछ डिस्काउंट स्कीम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अगर आप एज ए इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल वाले को आप ओके करेंगे, और ये एक फॉर्म आएगा छोटा सा, बस एक छोटा सा फॉर्म है ये आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड, अगर कोई GST नंबर है वो, अपना मोबाइल नंबर कोई ऑथेंटिकेट करेगा OTP के द्वारा, और आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, उनको ऑथेंटिकेट करेगा। अभी मैं इसमें एक प्री रजिस्टर्ड नंबर है, मैं वो डाल देता हूँ, अगर मेरे पास है, मैं एक मिनट, आई जस्ट टाइप इट आउट। और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो किसी काम के लिए। पर ये मैं अभी यूज़ करके एक डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ, किसी ने कल ही बुक किया था, उनके नाम का है ये। और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन करेंगे तो फिर आपके सामने, जैसे आप अमेजोन पे जाके कुछ सामान खरीदते हैं, वैसे ही ये दो है, इंग्लिश या हिंदी का कौन सा वर्जन आपको खरीदना है, इसकी कीमत लिखी हुई है। 500 रुपये का कोर्स है हिंदी का, 500 का इंग्लिश का, आप कोई भी ले लीजिए। आप जैसे आप गूगल, जब अमेजोन पे आप बाई करते हैं, आप बोलते हैं ना एड टू कार्ट, ऐसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे एड टू कार्ट। आप जब एड टू कार्ट करेंगे तो ये आपसे कन्फर्म क्वेश्चन लेगा कि हाँ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने ऐड टू कार्ट किया, ये आपको बताएगा कि प्रोग्राम आपका कार्ट में ऐड हो गया। बिल्कुल जैसे आप अमेजोन पे बाय करते हैं ना, वैसे ही ये प्रोसेस
ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके, और अब आप आगे बढ़िए। अब आप देखेंगे कि ये सामने एक समरी आ गई, जैसे आप अमेजोन पे भी बाय करते हैं तो एक समरी आती है ना आपके सामान खरीदने की, वैसी एक समरी आएगी कि 500 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, 90 रुपये उस पर GST लगेगी, 590 रुपये का टोटल कॉस्ट आया, और इसके बाद ये आएगा कि आप ये कन्फर्म कर रहे हैं कि पॉलिसी वगैरह को, और देन पे नाउ, दैट्स इट। फिर आपको ये बताएगा कि आप कैसे पे कर सकते हैं, रूपे से, वीसा से, UPI। अभी इंटरफेस अभी आया नहीं है, अभी अगले हफ्ते तक हो जाएगा। हम पेटीएम के से हमने लाइन अप कर लिया है, आई थिंक अगले हफ्ते से UPI भी मिल जाएगा, पर अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। UPI अगले हफ्ते से आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और आपने यहाँ पे ओके किया तो आप देखेंगे कि आप पेमेंट गेटवे पे आ गए, जहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग, UPI अभी इसमें नहीं चलेगा, अभी एक हफ्ते के बाद UPI भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोसीड करके आप यू कैन जस्ट गो एड एंड डू इट। ये प्रोसेस है, एक सीधा सा प्रोसेस है जिससे कि द्वारा आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं राशि की वेबसाइट से। थैंक यू सो मच राजीव सर, थैंक्स अ लॉट सर, आपने हम सब लोगों की मुश्किलें आसान कर दी। ये जो आपने लाइव एग्जांपल हम लोगों को शेयर कर दिया ना कि कैसे हम लोगों को लेकर के जाना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये आपने पूरा जो आखिर तक बता दिया कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं होता है तब तक हमारे ये सारे स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करते हुए जाने हैं, और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जैसा अभी राजीव जी ने हम लोगों को बताया। दोस्तों स्टेप्स पे जा करके हमको जैसे जैसे वो लेकर के जा रहा है वैसे वैसे उस पेज पे आगे बढ़ते जाना है। हमारी जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कोर्स जो है हमारा, जो ट्रेनिंग है वो किस लैंग्वेज में हम लेना चाहते हैं, उसको हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, और उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे बेसिक चीज है हमारी। अब अगर राजीव, हाँ जी सर, बस इसके बाद ये, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये आप पैसे इसके जो भर देंगे 590 रुपए, तो विद इन 30 मिनट्स आपके ईमेल के ऊपर इसका कोर्स का लॉगिन आईडी आ जाएगा और उसको लेके आप कोर्स को सीधा एक्सेस कर पाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, तो बहुत आसान कर दिया आपने लोगों के लिए। यस, कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद विद इन 30 मिनट्स हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के आ जाएगा, और उसके बाद हम इस कोर्स को आगे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर कोर्स करना हम चाहते हैं और हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स कर लिए, अब उसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं राजीव जी, जो कॉमन हमारे कंसल्टेंट्स के हैं। मैंने कुछ सवाल उनमें से नोट डाउन भी जैसे आपने करे थे कि मैंने अगर कोर्स अपने स्टार्ट कर दिया, मैंने पेमेंट करा, मेरी आईडी पासवर्ड आ गई, मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया, पर अगर मैं 1 महीने के अंदर कोर्स नहीं कर पाता, मैंने शुरू तो करा बट उसके बाद मैं किसी कारणवश कहीं और उलझ गया, किसी जगह बिजी हो गया और 1 महीने के अंदर कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया, तो क्या होगा? जी देखिए, टेक्निकली तो इस कोर्स की वैलिडिटी जिस दिन से आप, पहले दिन से आपको वो जो लॉगिन आईडी का मैं आपको बता रहा था, आपको जब वो मिलती है तो आपके पास 30 दिन है उस प्रोग्राम को अटेंड करके और सर्टिफिकेशन लेने के लिए। पर ऐसा हो सकता है कि आप किसी वजह से किसी और कार्य में व्यस्त हो गए या आप कहीं नहीं कर पाए, तो हमारा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारी एक कॉल सेंटर नंबर है, आप उस कॉल सेंटर में, अभी आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा, उस कॉल सेंटर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अभी भी, 9541 400 400 951 954 954, मैं दिखाई देता हूं, आई थिंक आई एम शेयरिंग इट, बी बेटर सर, 9541 400 400, मैंने यहां पे चैट बॉक्स के लिए लिख दिया। हाँ हाँ, बस इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इमीडिएटली हमारी श्रुति जी हैं, वो उनके पास कॉल जाएगा, कॉल सेंटर को वो हमारे हेड करती है, वो आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो एनरोलमेंट के टाइम की है, चाहे वो एग्जाम देने के समय की है, चाहे वो कोर्स के समय की है, आपकी जो भी समस्या है, चाहे आपका कोर्स की एक्सपायरी हो गई हो और आपको उसको रिन्यू करना है, वो सब काम हम बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हैं। अब ये नहीं कि कोर्स के टाइम निकल गया तो हम आपको पकड़ लेंगे, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, वी आर फ्लेक्सिबल, हम आपके सहयोग के लिए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। पर हमारी, मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि कोशिश ये करिए कि 1 महीने का समय बहुत होता है, ये प्रोग्राम बहुत छोटा सा है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम को करने के बाद आप आराम से, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ वाराणसी में मोदी केयर के थे जब हमने शुरू किया था, तो उन्होंने तो इस प्रोग्राम को संडे को सुबह बैठे वो और दोपहर तक ख़त्म कर लिया उन्होंने, और शाम को सर्टिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम भी के लिए तैयार हो गए, इतनी स्पीड से भी किया। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब करिए, वैसे
आप आराम से इसको 10 दिन में 12 दिन में। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया, आज आपका 10 मिनट का समय था, कोई बात नहीं 10 मिनट कर लीजिए, अगले दिन आप आए आपका आधा घंटे का समय था, आपने आधा घंटा कर लिया। तो आपको जैसे जैसे समय मिलता जाए आप करते रहिए, सुबह शाम दोपहर रात जब आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा करके 10 दिन में खत्म कर लीजिए आप। और इसमें एक और भी बहुत खास बात है इस कोर्स के अंदर कि हर एक ये मॉड्यूल्स के बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्रिपेयर करेंगे मेन एग्जाम के लिए, जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। तो और वो क्वेश्चंस भी जो राशि का डेटाबेस है क्वेश्चंस का, वहां से विड्रॉ करके लेके आता है। हो सकता है जब आप मेन एग्जाम दे रहे हो तो बड़े सारे क्वेश्चन आपको वहाँ कॉमन भी नजर आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट, आपने बहुत सारी चीजें बताई। बट यस, एक और सवाल लोगों का आया है हमारे पास कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो कोर्स करना चाहता है और जो मोदी केयर में ज्वाइन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है, वो उनकी वाइफ के नाम पे आईडी लगी हुई है। तो ये सवाल आता है कि क्या मेरी वाइफ की आईडी लगी है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या मेरे हस्बैंड की आईडी लगी है तो क्या उनकी वाइफ उसको एक्सेस कर सकती है कोर्स को, और सर्टिफिकेट किसके नाम पे फिर जनरेट होगा? नहीं नहीं देखिए, ये कोर्स जो है ना इसका नाम आप समझिए इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे कि आपका आपका जो पासपोर्ट है वो आपके नाम से, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके नाम से है ना, आपके आधार कार्ड आपके नाम से है, ठीक है, आपकी वाइफ का अलग है, हस्बैंड का अलग है। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट जो है वो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही उस आपके डायरेक्ट सेलर के काम करते हैं तो दोनों को इंडिविजुअली इस कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा और इंडिविजुअली वो सर्टिफिकेट लेना होगा। देखिए मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें नाम था, आपका आधार नंबर लिखा था, तो वो क्रॉस नहीं हो सकता इसके अंदर। तो आपको अपने नाम से, आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं या फैमिली भी काम करती है, तो जितने लोग काम करते हैं हर एक को इंडिविजुअली प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा, प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसके एग्जाम को देना पड़ेगा और तब आपके नाम से सर्टिफिकेट आएगा, क्रॉस अलाउड नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट सर, बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि हाँ किसके नाम से करेंगे, तो इंडिविजुअल के ऊपर है हमारा, ये एंटिटी के ऊपर है, आप अपने नाम से जब करना चाहें तो आप अपने नाम से रजिस्टर करके उसको कर सकते हैं। और जो एक सवाल इसमें और सर आता है हमारे पास कॉमन, जो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी देख पा रहा हूँ मेरे पास आया हुआ है, कि ये मोबाइल ये जो कोर्स है ये क्या हम अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं? देखिए कर तो सकते हैं बहुत आराम से मोबाइल के थ्रू, पर क्या है मोबाइल के अंदर सब कुछ बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। देखिए आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि टेक्निकली यस इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड ये है कि आप या तो लैपटॉप या कंप्यूटर या टैब जो भी हो, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो तो आपकी समझने में अंडरस्टैंडिंग में बेहतर होगा। टेक्निकली मोबाइल पे पॉसिबल है, रिकमेंडेड है कि आप बड़े स्क्रीन पे पढ़ें। रिकमेंडेशन हमारी तरफ से यही कि इसको अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मोबाइल पे आप कर सकते हैं आपके लिए अलाउड है, बट यस हमारा खुद में चैलेंजेस हमको उसमें फील हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ओके राइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट एक और, आपने राजीव जी पहले ही सवाल का जवाब दे दिया हमारे कि ये दो ट्रेनिंग्स में हमारे पास दो लैंग्वेजेस में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, इसके अलावा और किसी रीजनल लैंग्वेज में तो सर अवेलेबल नहीं है? नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में। और मैं आपको बताऊं एक समय तो ऐसा भी था कि हमारे हिंदी के बहुत ज्यादा लोग थे, इंग्लिश के कम थे, पर अभी ऑफ लेट मैंने देखा कि मामूली डिफरेंस से इंग्लिश ऊपर हो गई है, हिंदी के थोड़ा सा डाउन हो गया, पर हिंदी बहुत मेजोरिटी में, हिंदी और इंग्लिश में है, रीजनल लैंग्वेजेस में अभी नहीं है। अभी के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, और हाँ। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम सब लोग हिंदी में कर सकते हैं, बाकी दोज़ हू वांट टू गो फॉर इंग्लिश दे कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश ओनली। या और हिंदी भी जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी बोलचाल की हिंदी है, जैसा हम बात कर रहे हैं इस वक्त, उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं क्योंकि वो हमारी रोज की बोलचाल की भाषा में है, तो वैसे ही वो एग्जैक्टली वही है और प्रोफेशनल वॉइस है जो पीछे से आती है जो एक्सप्लेन करती है, तो आप एक लाइट म्यूजिक भी जो चलता रहता है, तो ये प्रोग्राम जब आप करेंगे तो एक तो आप बोर नहीं होंगे, इतनी एक्टिविटी स्क्रीन के ऊपर रहती है, कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, वो लगातार वीडियो बेस्ड प्रोग्राम है, कुछ एक्टिविटी रहती है और आपको आपके काम से रिलेट करता रहता है प्रोग्राम, तो आप बोर नहीं होंगे इस प्रोग्राम में और आराम से बहुत अच्छे से कर जाएंगे इसको। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक और सवाल इससे रिलेटेड आता है कि मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसा आपने बताया कि आधे घंटे के अंदर हमारे पास मेल पे रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई, तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी हम जब चाहें तब यूज कर सकते हैं या उसका कोई एक्सपायरी भी है कि कुछ समय बाद वो एक्सपायर हो जाती है? देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी तो एक्सपायर नहीं करती,
अगर मैंने 6 महीने पहले भी कुछ किया है तो वो आईडी आ जाएगी, वो आपका, जैसे मैंने अभी डेटा रिट्रीव करके आपको दिखाया, मैंने सारा फॉर्म नहीं भरा था, मैंने किसी की आईडी ली थी और वो डेटा मैंने रिट्रीव कर दिया था। पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कोर्स की लॉगिन आईडी है उसकी लॉगिन आईडी जिस दिन से आप रजिस्टर करते हैं उसके 30 दिन तक उसकी वैलिडिटी है। देखिए, दो रजिस्ट्रेशन आईडीज आपको मिलेंगी, आप, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, एक रजिस्ट्रेशन आईडी वो है जब आप अपने आप को कोर्स के लिए एनरोल करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कोर्स में एंटर करने के लिए, परचेज करने के लिए मैंने आपको एक आईडी का यूज किया था, उस आईडी का बड़ा लिमिटेड यूज है, पहली बार जब यूज करते हैं तब है, या आप उसका यूज करेंगे या किसी वजह से आप एग्जाम में आप नहीं क्लियर कर पाते और आप री एग्जामिनेशन देना चाहते हो तब ये वाली आईडी आपको फिर दोबारा यूज में लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आईडी का और यूज में कहीं नहीं आएगा आपके लिए। या फिर हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी टीम के लिए, उन्होंने आज 100 खरीदे, कल वो कहते हैं मैं 20 और खरीदूंगा, परसों कहते हैं 50 खरीदूंगा, तो उनको बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो उस आईडी को यूज करके बार बार एंटर करके बार बार प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल्स के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी की उतनी कीमत नहीं है, बट जो लॉगिन आईडी आपको ईमेल में आएगा, जो कोर्स एक्सेस करने का लॉगिन आईडी है, वो आप ध्यान रखिएगा कि उसकी आपके पास आ गया, मान लीजिए आप 5 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेते उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन तक नहीं लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीने तक लेते कोई फर्क भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साल तक भी आप नहीं लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने 1 दिन भी लॉगिन कर दिया उसके अंदर तो वहां से उसका मीटर चालू हो जाएगा और आपको 30 दिन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जब आप लॉगिन करेंगे आपको बताएगा कि आज आपके 29 दिन हो गए, आज 25 दिन हो गए, आज 20 दिन रह गए, वो आपको लगातार बताएगा। राइट 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 सर, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग लॉगिन करने के बाद हमारा मीटर स्टार्ट होगा, वो जो 1 महीने का ड्यूरेशन है वो जब हम लॉगिन आईडी अपनी पहली बार एंटर कर देंगे उसके बाद वो 1 महीना हमारा स्टार्ट होगा। जी अच्छा, अगला सवाल इसी से रिलेटेड मैं अगर कोर्स रिलेटेड पूछूं कि जब मैं एग्जाम दे लेता हूं, मैंने कोर्स एक्सेस कर लिया, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल थे मैंने उनको गो थ्रू कर लिया, उसके बाद मैंने फाइनल असेसमेंट भी दे दिया, तो उसके कितने समय के बाद मेरे नाम से जो ये सर्टिफिकेट है वो जनरेट होगा, वो मेरे पास कब तक पहुंचेगा? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा और बैक में जाऊंगा। देखिए, आपने जब कोर्स खत्म कर लेते हैं ना तो उसके बाद आपके पास एक बटन एक्टिव हो जाएगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब आप कोर्स पूरा कर लेंगे तो एक बटन एक्टिव होगा जो कि आपसे ये पूछेगा कि आप क्या एग्जाम देने के लिए, सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, आप उस बटन पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने एक सरकारी फॉर्म आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अब आप जो हैं, अभी तक तो आप हमारे साथ थे, आप कोर्स को अटेंड कर रहे थे, पर अब आप जो हैं एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें आपका नाम, आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है, जो सरकारी फॉर्म में टिपिकली पूछे जाते हैं, आपका शहर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, बहुत सारी चीज़ें, तो जो आपका जो पहला फॉर्म आपने फिलअप किया है ना वहाँ से भी पिक कर लेगा, आपको प्री फिल्ड नज़र आ जाएगा, पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आपके फादर का नाम, मदर का नाम, वो सब बहुत सारी चीज़ें सरकारी फॉर्म के जो होती हैं वो पूछेगा, तो आप वो फॉर्म भरने में और आप गलती करेंगे तो आपको वो रोकेगा, ये गलती कर रहे हो कोई भी, आपको उसमें एक सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आपको एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी का नंबर देना होगा, आपको अपलोड नहीं करना है कुछ भी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पासपोर्ट नंबर हो, कोई भी एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी का नंबर आपको डालना होगा उस फॉर्म के अंदर में, अपलोड नहीं करना है कुछ भी, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ नंबर देना है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो इंटरनली चेक करता है फिर गवर्नमेंट डेटाबेस में जाके कि आप वो हैं या नहीं है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेक करना जरूरी है ना उसके लिए, तो आपको वो एस्टेब्लिश कर देगा इंटरनली, जब आप फॉर्म डाल दोगे, फॉर्म सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद वो इंटरनल चेकिंग्स वगैरह करते हैं और आपको एक डेट मिलेगी जो कि 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा, उसकी एक तारीख आपको मिलेगी, उस 5वें दिन पे जाके आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम देने के लिए क्या है कि आपको पूरा दिन की विंडो है, आप उसमें एग्जाम दीजिए, जब वो करीब 40-45 मिनट का एग्जाम होगा, जब वो एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आप मान के चलिए कि 2-3 हफ्ते लगते हैं आपका सर्टिफिकेट आने में, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिस्टम से आता है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वो अपने आप ही सर्टिफिकेट आ जाएगा।
परफेक्ट सर, दैट मींस अगर जब हम इसको एलिजिबल हो जाते हैं, जब असेसमेंट कर लेते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जब हम उसको एक्टिवेट करेंगे 5 दिन बाद हमारा असेसमेंट होगा और उसके कम से कम 2 से 3 हफ्तों के बाद जो है वो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जी बिल्कुल, राइट सर, थैंक यू सर। अब सर इससे एक और रिलेटेड सवाल आता है कि मैं असेसमेंट दे रहा हूँ और असेसमेंट देते टाइम नेटवर्क मेरा चला गया तो, बिकॉज ऑनलाइन में ग्लिचेस बहुत सारे चैलेंजेस लोगों के पास आते हैं। हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा और ये बहुत ज्यादा होता है और हमारी श्रुति जी जो है वो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फेस करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जिस हमारा जो कोर्स है उसका हम एक्सेस दोबारा से ओपन कर देते हैं आपके लिए, आपको री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए किसी वजह से ग्लिच आ गया, श्रुति को आपको फोन करना पड़ेगा, श्रुति आपके लिए वापस गेट खुलवाएगी एग्जाम के, आप दोबारा से आप एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम के लिए घुस पाओगे और उसके बाद फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बताया है ना, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे एंड इमीडिएटली आपकी मदद की जाएगी और आपको एकदम से दोबारा से कोर्स में एंटर कराया जाएगा और कोर्स में एंटर करके आप दोबारा एग्जाम दीजिए और फिर कर लीजिए। ये होता है, अक्सर होता है, हमने देखा है, कोई इसमें नई बात नहीं, इट हैपेंस। राइट। तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर नेटवर्क चला गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है श्रुति जी को हम लोग कॉल करेंगे, शी विल रीओपन द गेट फॉर द एग्जाम एंड वी कैन असेस द एग्जाम आफ्टर दैट आल्सो। बिल्कुल। नेक्स्ट सर एक और इसी से रिलेटेड और पूछना चाहूंगा मैं कि मैं अगर एक बार प्रोग्राम एक्सेस कर लिया उसके बाद मैंने एग्जाम भी दे लिया, तो क्या मैं एग्जाम देने के बाद दोबारा उस प्रोग्राम को अगर देखना चाहूँ, उन वीडियोस को देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, वो मेरे लिए अवेलेबल रहेंगी? नहीं, ये प्रोग्राम का डिजाइन आपका सर्टिफिकेशन की तरफ है, तो आप जब इस प्रोग्राम को एक्सेस करके जब आप रेडी करके अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं और एग्जाम देने का बटन प्रेस कर देते हैं उसके बाद, और एग्जाम देखिए आप एक चीज देखिए, जब आपने एग्जाम का बटन प्रेस कर दिया और आपको बताया कि 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो जब तक तो एक्सेस खुला रहेगा क्योंकि आपको अगर रिविजन करना है, कुछ करना है, तो प्रोग्राम के कॉन्टेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। पर जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे वो भी उसी पोर्टल के रास्ते से जाएंगे, हमारे ही रास्ते से जाएंगे, पर जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम आप दे देंगे तो उसके बाद ये पीछे से रास्ता बंद कर दिया जाता है। वो इसलिए बंद किया जाता है, कोर्स वगैरह भी सब उसी में है, वो इसलिए बंद किया जाता है कि दोबारा से आप रीअटेम्प्ट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिस्टम है, स्किल इंडिया का जो सिस्टम है, वो रीअपेयरेंस की परमिशन नहीं देता, री एग्जामिनेशन की देता है। तो अगर आप किसी वजह से एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आते और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब आप रीअपेयर होंगे और रीअपेयरेंस के फॉर्म में, कैंडिडेट के फॉर्म में जाएंगे, इसलिए वो उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आपको प्रोग्राम का कंटेंट आप एक बार खत्म कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे, तो एक्सेस बंद हो जाता है। राइट ओके। तो मिस्टर राजीव एक और सवाल हमारे दिमाग में आया है इसी से रिलेटेड कि जब हम एग्जाम हमने दे दिया, एग्जाम को हमने, या अगर हम देने जा रहे हैं एग्जाम, तो जैसे नॉर्मल एग्जाम्स के लिए होता है मुझे कोई भी एग्जाम देना होता है, गवर्नमेंट का कोई भी मुझे एग्जाम देना हो तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि भाई आपको ग्रेजुएट इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, तो क्या इस एग्जाम के लिए ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को नहीं मांगता प्रोग्राम, मानता ही नहीं। थैंक यू, दैट मींस एनी क्लास पास, बट ये है कि आपको अगर आप कम क्लास के पढ़े हुए हैं तो कम से कम लिखना पढ़ना तो आपको आने, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो आई एम श्योर उतना तो आप जानते ही होंगे, बस उतना ही जानना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे बिल्कुल भी जोर नहीं देता ये प्रोग्राम, मांगता ही नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, हम लोगों को बस डिजिटली करना है अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, टाइपिंग के थ्रू हमको टाइपिंग आनी चाहिए, वो हम लोगों को पता होना चाहिए बस। टाइपिंग की भी उतनी जरूरत नहीं है, बस डिजिटल लिटरेसी जिसको आप बोलते हैं कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन जिससे भी एक्सेस करें उसको चलाना आना चाहिए बस, और थोड़ा बहुत जो स्क्रीन पे लिखा पाएगा वो उसको आप पढ़ पाए, क्वेश्चंस पढ़ पाए आप, बस उतना ही जानना जरूरी, अगर हम बहुत बेसिक्स की बात करते हैं तो। अच्छा, एक चीज इसमें आती है कि मैंने एग्जाम भी दे दिया बट किसी कारणवश एग्जाम में फेल हो गया, परसेंटेज क्या है पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हम सब लोग, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या परसेंटेज है हमारी? इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ध्यान से सुनिए, 70% है, 70%, आपको 70% मार्क्स लाने होंगे तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा।
69% होंगे तब भी नहीं मिलेगा। पर इसमें जो एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रोग्राम को सीरियसली किया है, पढ़ा है, और जो क्वेश्चंस आते हैं बीच में, जब जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे आप जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने उनको देखा है, उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया है, और तो मेन एग्जाम में आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी श्रुति से चेक कर रहा था, कल या परसों की बात है, मैं पूछा था क्या परसेंटेज है पास परसेंटेज, तो श्रुति ने मेरे को बताया करीब 95-96% लोग इसमें पास हो रहे हैं। 3-4% लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो रीअसेसमेंट दे सकते हैं आप, और रीअसेसमेंट दे के आप इस प्रोग्राम को सर्टिफिकेट लें, दोबारा जा सकते हैं। रीअसेसमेंट के नंबर ऑफ टाइम्स की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप 2-4 बार जितना भी करना चाहें कर सकें, पर नॉर्मली हमने देखा है कि अगर दूसरी साइकिल में कोई आता है तो उसके लिए कोर्स को दोबारा से पूरा खोल दिया जाता है। आप पढ़िए उसको, देखिए, एक हफ्ते के लिए कोर्स खुल जाएगा आपके लिए, आप पढ़िए उसको, देखिए, और फिर आप एग्जाम को दोबारा से दे दीजिए। पर आपको फिर रीअसेसमेंट के तौर पे आपकी अपलोडिंग होगी, श्रुति जी हमारी उसको अपलोडिंग आपको एक अलग तरीके से करेंगी आपके नाम की सिस्टम में, स्किल इंडिया पोर्टल के ऊपर, सो दैट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट नहीं करती एक ही कोर्स के लिए आप दो बार अपेयर हो, तो सेकेंड टाइम अगर आप आ रहे हैं तो यू विल बी अपेयरिंग है रीअपेयरिंग के रीअपेयर केस, इस तरह से होता है। राइट राइट सर, थैंक यू सो मच सर। दैट मीन्स 70% हमारा जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, हमारे 70% होना चाहिए। जैसा आपने बताया, ज्यादातर लोग इसको बहुत आसानी से पास कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो हर मॉड्यूल के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे फाइनल असेसमेंट में भी होते हैं। अब एक और चीज आपने बताया, एक और चीज भी है, देखिए इसमें क्योंकि आप लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल है और जो आप रोजमर्रा में करते हो वो क्वेश्चंस भी उसी सिलसिले में आते हैं, दे आर नॉट आउटसाइड दैट, उससे बाहर नहीं होते वो, तो आपको उन क्वेश्चंस को करने में अगर आप थोड़ा सा भी, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन होगा उसके चार ऑप्शन होंगे, आप उसमें एक को क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें तो आप अपने रोजमर्रा के कामों से रिलेट कर देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस एग्जाम को देने में, थोड़ा सा भी सीरियसली करेंगे। राइट, अगर हम सीरियस होकर के बिजनेस कर रहे हैं और सीरियस होकर के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और आता है सर, आपने कहा री अपियर हो सकते हैं हम लोग, दोबारा उसके लिए हमारे खोले जा सकते हैं, बट अगर हम बात करें जो हमने फीस करी थी सबमिट, जो हमने 500 प्लस जीएसटी दिया था अमाउंट शुरू में, अगर हम किसी कारणवश फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस फीस का हमारा क्या होगा सर? देखिए वो फीस जो है, वो जो आपकी पहली फीस थी वो तो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो तो आपने एग्जाम दिया और यूज नहीं कर पाए, मतलब यूज क्या हुआ कि आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, पर आपको रीअपेयर करना पड़ेगा, रीअपेयरिंग की फीस देनी होगी और फिर आपको नई फीस भर के और आपको दोबारा से एग्जाम को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से देखिए जो ये कोर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो 250 रुपीज़ कोर्स के हैं, 250 रुपया जो है वो आपके असेसमेंट के हैं जो कि सिस्टम में जाते हैं, राइट, वो सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब फीस है, तो रीअपेयरिंग की जो फीस है वो सबमिट की जाती है दोबारा आगे सिस्टम में। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी श्रुति से ही मेरी 2-3-4 पहले बात हो रही थी, हम अभी वो सिस्टम में डलवा रहे हैं कि अगर किसी को रीअपेयर होना है तो आपको 500 रुपये ना भर के सिर्फ 250 रुपये भरने की ज़रूरत हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोर्स कर चुके हो, सिर्फ आपको असेसमेंट फीस है जो कि आगे सिस्टम में पे करनी है, तो हम अब उसको स्टेबलाइज करें, आई थिंक विद इन वीक 10 डेज या 15 दिन में शायद हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। टाइम आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने शुरू में था आपकी, वो एक्चुअली ईमेल में भी आएगा, अगर आपको ऐसा नहीं है आपको भूल गए, आपके मोबाइल फोन पे भी एसएमएस में आएगा, आपके ईमेल पे भी आएगा, तो वहां से विड्रॉ करके उस नंबर को आप टाइप करेंगे और रीअपेयरेंस की फीस देंगे 250 रुपया और आप उस प्रोग्राम को आप एग्जाम दोबारा दे पाएंगे। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत डिटेल में आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, एंड बहुत देर से मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आखिरी के कुछ और सवाल मैं इससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो सर्टिफिकेट हमारे पास कैसे हम तक पहुंचेगा, हमारे पास मेल के थ्रू ही आएगा या इसकी हार्ड कॉपी हमारे घर पे भी डिलीवर होगी? नहीं, देखिए मेल के ऊपर आएगा, और हम हमेशा अपने डायरेक्ट सेलर्स को कहते हैं कि उसके 2-3 फॉर्मेट्स में आप प्रिंट, डिजिटल प्रिंट निकलवाइए, अच्छा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट निकलवाइए, एक तो आप अपने ऑफिस में टांगने के लिए उसको अच्छा सा फ्रेम करा के लगाइए, और एक छोटा सा आई कार्ड के फॉर्म में प्रिंट कराइए, मिनिएचर फॉर्म में उसको,
जिसको आप कहीं कैरी कर सके, हर एक को अगर दिखाना हो तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाएंगे A4 साइज का, छोटे साइज छोटा सा एक मिनिएचर आई कार्ड के जैसे भी आप उसको छोटे फॉर्म में भी करा सकते हैं, विच यू कैन प्रोड्यूस एनीवेयर। तो प्रिंट आपको खुद करना होगा, आपके ईमेल में ये PDF फॉर्म में आएगा, उसके आप जितनी मर्जी कॉपी निकालनी है निकालिए, बड़े फॉर्म में छोटे फॉर्म में जैसे करना है आपकी मर्जी। ईमेल पे सर पड़ा है तो फिर हम कभी भी निकाल सकते हैं, वो तो हमारे पास मौजूद रहेगा। अगर इन केस हमने हार्ड कॉपी निकाली, क्योंकि हार्ड कॉपी मिली उसके बाद कहीं रख दी, भूल गए, खो गई, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट जो हमारे पास ईमेल पे आ रहा है हम जब जब चाहेंगे तब तब उसका प्रिंट निकाल के यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल इसी रिलेटेड सर, ये सर्टिफिकेट जो हमारा लाइफ टाइम होता है या फिर इसकी कुछ वैलिडिटी है? देखिए, ये टेक्निकली तो लाइफ टाइम है, आप मोदी केयर से जुड़े हुए हैं और आप एक डायरेक्ट सेलर है मोदी केयर के अंडर, तो लाइफ लॉन्ग है, इसमें कोई इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, विल नॉट। That means कि इसकी validity का कोई condition नहीं है, ये हमारा एक certificate एक तरह का है कि हाँ हम एक direct seller हैं और ये हमारी identity। अच्छा, इसकी authenticity अगर check करनी है sir? हाँ, मैं एक चीज और बताऊंगा फिर authenticity पे आता हूँ। इसमें एक question और भी लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे आज आप मोदी केयर में काम, मुझे पता है मोदी केयर के बहुत ट्रस्टेड है और आपको इस पे को ब्रांडिंग मोदी केयर की मिलती है, किसी वजह से आप कहते हैं चलो मैं एक और कंपनी के साथ काम करूंगा, तो ये सर्टिफिकेट आप किसी और कंपनी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि मोदी केयर का इस पे स्टैंप लगा हुआ है। तो जब तक आप मोदी केयर के लिए काम कर रहे हैं तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ है और इसमें आपको कुछ नया सर्टिफिकेट दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, आपके क्लास 12th के सर्टिफिकेट है या आपकी डिग्री है, वो आपके नाम से लाइफ लॉन्ग है आपके पास, आपको उसको वैलिडेट नहीं करना होता। ऐसे ही आपके प्रोफेशन के लिए ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग है आपके पास, इसमें आपको रिवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप मोदी केयर से जुड़े इस सर्टिफिकेट को कुछ नहीं होगा। और जहां तक इसकी वैलिडिटी का है तो मैंने आपको बताया था एक QR कोड है साइड में, उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे आपका सारा का सारा डेटा मोबाइल फोन पे आ जाएगा। इट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डेटाबेस, वहां से पुल आउट होके आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगा। गवर्नमेंट डेटाबेस जो QR कोड आपने बताया, अगर हम उसको स्कैन करेंगे हमारी डिटेल्स निकल करके फिर से आ सकती हैं, तो ऑथेंटिक है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक लास्ट और सवाल इसकी, क्या ये हमारा इंटरनेशनली भी वैलिड है सर? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये जो आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको देता हूँ, ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, मतलब आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी जो नॉलेज है एज अ डायरेक्ट सेलर, ये उसको सर्टिफाई करता है। और ये जो स्टैंडर्ड बना था, ये स्टैंडर्ड बना था जितनी हमारी इंडियन और मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग में है उनसे कंसल्ट करके स्टैंडर्ड बना था, जो कंटेंट है उनसे वैलिडेटेड है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल मतलब दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो इसमें जो कॉम्पिटेंसीज डिस्क्राइब्ड हैं, जो कॉन्टेंट डिस्क्राइब्ड है, इट इज वैलिड फॉर एनीवेयर एल्स। और ये सर्टिफिकेट हमने ऐसा जाना है और देखा भी है कि बहुत सारी कंट्री जैसे UAE है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे तो बिल्कुल रिकॉग्निशन है, हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग भी है। जब मैं NSDC में था तो ये वाला कार्यक्रम मैंने ही चलाया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग का विद UAE गवर्नमेंट, तो वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास जाके ये फिट हो जाएगा। बाकी कंट्रीज में भी मैं अज्यूम करता हूँ अगर आप लेके जाएंगे तो आपकी कॉम्पिटेंसी को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप लगा है ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आपकी स्टैंपिंग है, इट इज नॉट अ प्राइवेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर राजीव माथुर, आपने बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हर चीज के बारे में, फिर वो चाहे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, हमारा कोर्स को एक्सेस करने का तरीका हो, और उसके बाद के जो चैलेंजेस आते थे उन सारे सवालों के आपने बखूबी जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। एंड जैसा आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में देख भी पा रहे होंगे सर, चैट बॉक्स में हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको इसके लिए थैंक्स लिख रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी हमारे बहुत सारे हैं जो आपको थैंक्स लिख रहे हैं इस चीज के लिए, बिकॉज अब हम लोगों की आंखें खुल गई, हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि कैसे हम लोग इसका बेहतर तरीके से इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और सिर्फ जैसा आपने बताया शुरू में, मात्र ₹500 में हमारा ये सर्टिफिकेट बन सकता है ट्रेनिंग को गो थ्रू करने के बाद, राइट? थैंक यू सो मच सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? एक चीज मैं और बताऊंगा बिफोर वी हैंग अप, इसमें एक डायरेक्ट सेलर्स के जो लीडर्स हैं अगर वो परचेज करना चाहें तो एक फर्दर डिस्काउंट मिलेगा उनको 20% का। जैसे अगर आपने 10 खरीदे तो आपको 12 मिल जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 10, तो आप वो जो बेनिफिट आपको मिलेगा
तो वो 500 रुपये से भी कम हो गया एक्चुअली, वो आप अपने डायरेक्ट सेलर अपनी टीम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारी लोग हैं जो 1000 के नंबर्स में जैसे उन्होंने ले लिया, तो उनको पता लगा 1200 मिल गए एट द कॉस्ट ऑफ 1000। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम में तो वो एक छोटी कॉस्ट कम हो जाती है, इट गोज इवन लेस देन 500 रुपीज। तो वो बेनिफिट जो है आप अपनी टीम में पास कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन लेके यू कैन ऑल्सो यूज दैट। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एंड यस सर, जैसा आपने बीच में कहा था, हमारे जो यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग वो नंबर हमारे पास नहीं पहुंच पाया, कि अगर हम किसी वजह से एक्सेस कर पाते हैं तो किस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। मैं डिस्प्ले कर देता हूं, अगर आप मेरे को परमिट करें तो आई जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन। सर प्लीज डिस्प्ले इट सो दैट यूट्यूब व्यूअर्स कैन आल्सो गेट टू दैट। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? नॉट येट सर। अच्छा, मैं एक मिनट दोबारा से लेके आता हूँ, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, यस। तो दोस्तों, अगर हम लोगों को इस तरह का कोई चैलेंज आता है, ऑल्दो सारी डिटेल्स यहाँ पे राजीव सर ने हम लोगों को बता दी हैं, समझा दी हैं, बट फिर भी अगर हम लोगों का कोई चैलेंज आता है तो हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने इस दिए हुए नंबर के ऊपर। मिस श्रुति जो हम लोगों को अटेंड करेंगी, आपके जो भी सवाल हैं, सर्टिफिकेट के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वो सारी चीजें यहाँ पे बात कर सकते हैं और आपको डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मिल जाएंगी। सर यहाँ पे सर्टिफिकेट हमारे पास फोटो आ रही है जो स्क्रीन नहीं, मैं एक मिनट दोबारा से स्क्रीन शेयर करके एक मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा से मैंने उसको अप किया हुआ है, एक मिनट। बिल्कुल सर, यस। तो दोस्तों, जैसा यहाँ पे मिस्टर राजीव माथुर ने हम लोगों को बताया कि किसी भी तरह के चैलेंज के लिए हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैंने शुरू करा था, मैं कर नहीं पाया, या फिर कैसे करना है मुझे इसको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये भी अगर आपको कोई चैलेंज है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर के ऊपर, जो नंबर आपको यहाँ पे विजिबल नजर आ रहा है अभी, यू कैन सी द स्क्रीन। राइट सर, इट्स विजिबल है। 9514 सर कम है इसमें कोई, हाँ इसमें एक नंबर कम है, 95414 है, आई एम सो सॉरी। ओके, इट्स 95414। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ, बिल्कुल सर। 9541400400, या वी कैन हैव इट फुल स्क्रीन। ग्रेट, तो दिस इज द नंबर दोस्तों, जो भी आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए है, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा किडमैन का, 9541400400। राइट, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया, आप लोगों ने ये नंबर लिख करके रख लिया अपने पास, क्योंकि सर्टिफिकेट जब हम करेंगे, जब हम असेसमेंट करेंगे, जब हम मॉड्यूल्स पे गो थ्रू करेंगे, तो किसी भी तरह के जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए हम लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, लॉट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। एंड आई होप हमारे सारे कंसल्टेंट आज यहाँ पे ब्लेस्ड हैं कि खुद यहाँ पे हमारे स्किल्ड इंडिया के सीईओ ने आकर के सारी डिटेल्स हम लोगों को बताई हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बट दोस्तों, फायदा तभी है जो ये सारी जानकारी आज हम लोगों ने हासिल करी है, वो जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एक्सेस करें अपनी टीम में। जैसा अभी मिस्टर राजीव ने बताया हम लोगों को कि अगर हम लोग बल्क परचेज करते हैं तो बल्क परचेज करने के साथ साथ हमको इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, हमको डिस्काउंट भी मिलेगा। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू।